भगवान बोले, इस अविनाशी कर्मयोग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुमको बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था? भगवान बोले, तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, वो मुझे याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थित हूं तथा अपनी माया से जन्मता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूं। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक कल्प में जन्मता हूं। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर इस मृत्युलोक में जन्म नहीं लेता और मुझ परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति कर्म से पवित्र होकर मुझसे मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का पुनर्जन्म देता हूं। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूं, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझाकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं। अतः पूर्व पुरुषों यानी आत्माओं के पहले ही किए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उस कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मुक्ति, जीवन मुक्ति के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों को जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म देखता है, वही आत्मा बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म अर्थात निर्मल हो गए हैं, उसको ही पंडित अर्थात ज्ञानी कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता है तथा निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। सब कामनाओं को त्याग, मन और बुद्धि को वश में कर, संसार प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं, वे भी कर्म बंधनों से संतापित नहीं होते। दैव योग से जो कुछ मिल जाए, उसी में जो संतुष्ट रहता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन बुद्धि अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसी को ब्रह्म प्राप्त है। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप
अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो कि अपनी इंद्रियों तथा सब कर्मों को संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं, और कोई कोई इंद्रियों रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। होम अर्थात आहुति। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा की संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण वायु और अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करते हुए प्राणों को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेत्ता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उन्हें लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान यज्ञ के तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसीलिए तुम उनकी सेवा करना और विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हों तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म ज्ञान बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्यों को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो मनुष्य हैं वह नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको ये लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वराधन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए कर्मयोग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। वाह, कितना सुंदर आदेश है ना अर्जुन को, यानी ज्ञान का अर्जन करने वाली आत्मा को, कि अज्ञान से जो संशय उत्पन्न हुआ है उसको ज्ञान रूपी तलवार से काटो। संशय को काटना है ज्ञान की तलवार से, शायद किसी और को नहीं। कितने सूक्ष्म रहस्य इस अध्याय में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर रीति भगवान बता रहे हैं कि ये जो प्राचीन राजयोग है ये स्वयं परमात्मा ही सिखाते हैं। अर्जुन के अनेक जन्म हुए हैं जिनको वो भूल चुका है, पर परमात्मा को पता है। जब जब धर्म की गान या हानि होती है, अधर्म बढ़ जाते हैं, तब तब अपने संतों भक्तों की रक्षा के लिए और एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक कल्प में परमात्मा जन्मते हैं। वे कहते हैं कि मेरा जन्म अलौकिक है, यानी इस लोक में जिस तरह से आत्माएं मनुष्य आत्माएं या जीव जन्म लेते हैं वैसा जन्म परमात्मा नहीं लेते, यानी उनके जन्म में कुछ दिव्यता है। तभी तो कहते हैं ना, परमात्मा जन्म और मृत्यु से परे है, जन्मते भी हैं परंतु उनका जन्म इस लौकिक विधि से नहीं होता। फिर वे कहते हैं कि कर्म अकर्म विकर्म की गति ऐसी है कि विद्वान भी चकरा जाते हैं। वह अति गुह्य और अति गंभीर है जिसको परमात्मा ही स्पष्ट कर सकते हैं। कई प्रकार के भक्त होते हैं, कई प्रकार के योगी होते हैं, कोई हठ योग करते, कोई भक्ति योग करते। और यज्ञ यानी परमात्मा जो ज्ञान और योग की अग्नि का हवन या यज्ञ रचते हैं
उसमें अपनी कमी कमजोरियां बुराइयों को स्वाहा करने वाले ही कर्म बंधन में नहीं फंसते, भले ही वो कितने भी कर्मों से घिरे हुए हों। और जो इस ज्ञान को लेकर के संदेह में रहते हैं वे अज्ञानी कहलाते हैं, और जिन्हें संदेह हो जाता है उन्हें न तो लोक में सुख मिलता न परलोक में सुख मिलता। इसीलिए वे कहते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार से अपने चित्त मन बुद्धि में आए हुए संशयों को काट दो। इन सारे पॉइंट्स पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं, और यदि कोई प्रश्न आपको आते हो तो उन पर भी मनन चिंतन कर सकते हैं, हम सब हमारे साथ सभी के साथ साझा कर सकते हैं। श्री गीता जी का 5वां अध्याय लेकर मैं फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मनन चिंतन करते रहिए, चित्त को प्रसन्न रखिए, अपने मन में उठे संशयों को ज्ञान रूपी तलवार से काटने का प्रयत्न कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।